और जो प्योरली ईरान के रहने वाले हैं वो तो हमारे इमाम हैं, इमाम मुस्लिम, मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशेरी अल मुतवफा 261 हिजरी, जिनकी कुनियत है अबुल हुसैन। ये कुशेरिया कबीला है और इनके साथ लिखा जाता है कुशेरी निशापुरी। निशापुर आज भी ईरान का शहर है, जाके लिख लीजिएगा गूगल में, लिखे निशापुर कहां पे है ईरान का। तो ये इमाम मुस्लिम पे फिट होती है, अगर सलमान फारसी के बाद किसी के ऊपर फिट होती है कि वो दीन सुरैया सितारे की चोटी पे भी हो तो देखे इमाम मुस्लिम कहां से उठे हैं, इस्लाम वहां से, और फिर किताब लिखी। आज तक इस पाए की कोई किताब नहीं लिखी गई पूरी दुनिया में। और मैं तो सऊदी अरब का चैनल सुन रहा होता हूं ना, तो जब वो अजान के वक्फे और अजान और नमाज वक्फे के दौरान जब हदीसें चलती हैं ना, रवाहुल बुखारी रवाहुल मुस्लिम, रवाहुल बुखारी रवाहुल मुस्लिम, सर ना बुखारी अरबी और ना मुस्लिम अरबी। इमाम बुखारी रशिया के रहने वाले, बुखारा सिटी आज भी है। इमाम मुस्लिम ईरान के रहने वाले, निशापुर सिटी आज भी है। इमाम तिर्मिजी अफगानिस्तान के रहने वाले, तिर्मिज आज भी स्टेशन है। इमाम उदौद भी अफगानिस्तान के रहने वाले। इमाम हाकिम वो भी निशापुरी हैं, वो भी ईरान के रहने वाले, जिन्होंने अल मुस्तदरक लिल हाकिम लिखी है। सर फिर देख लेना, नबी इस्लाम ने फरमाया था, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो लोग यहाँ पे मौजूद हो, मीना के अंदर भी खुतबा दिया, उसके बाद हजरतुल वदा का खुतबा अरफात में, मेरा ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचा देना जो यहाँ पे मौजूद नहीं। बसा औकात जिसे बात पहुंचाई जा रही होती है वो ज्यादा याद रखने वाला होता है बनिस्बत उसके के जो बात पहुंचा रहा होता है। तो मुहद्दिसीन जब ये हदीस पढ़ा करते थे कहते थे सदका रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया था, अल्लाह ने खिदमत हम अजमियों से ली है।